हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। एनवायरमेंटल स्टडीज़ टॉप 400 क्वेश्चन की सीरीज जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, उसका ये वीडियो नंबर 8 है। दोस्तों, यदि आप यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस आदि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ए फिटिंग का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण का उन्मूलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए? तो 33% क्षेत्रफल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? तो 4 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन रोपण प्रक्रिया है ज़्यादा पेड़ लगाने की? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। अगला क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो वन को हरा सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य अधिकांश वन संपदा के मालिक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो पेड़ लगाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है? तो बहु अनुशासनिक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है पर्यावरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है? तो उष्णकटिबंधीय वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, यह कथन किसका है? तो निकोलस का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? सी पार्क का कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी? तो विलियम हैविट ने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण का जैविक कारक है? तो वनस्पति पर्यावरण का जैविक कारक है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF लिंक पाना चाहते हैं या यदि PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करें, इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आत्पोद्भिद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं? तो सदा हरित वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं? घास वाले वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घास वाले वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा का जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है? तो ऊपरी स्तर में होता है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का जवाब आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है? तो दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता, शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा का होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे मृदाएँ जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की
इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं सुपोषी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है तो 50% बालू और 50% मृत्तिका होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है एजेटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है तो ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परितंत्र में होता है तो परितंत्र में ऊर्जा तथा खनिज दोनों की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे तो लिंडेमान 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे। ये खाद्य जाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी अधिक लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं तो जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं तो जैव समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि इसका जवाब आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो से पहले वाला वीडियो जो कि जियोग्राफी का बनाया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है तो फूलों की घाटी आपको बतानी है कि कहाँ स्थित है। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप भेज सकते हैं। यदि आपको इस सवाल का जवाब प्राप्त करना है तो हमारे आने वाले वीडियो का इंतजार करें और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएँ जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स।